हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेली हम कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लाते रहते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपके पास एक और स्टॉक लेके आया हूँ। न्यू लिस्टिंग है। देखिए, न्यू लिस्टिंग से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बताई थी कुछ दिन पहले। यहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टॉक लिस्ट होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर शेयर चलने लग जाता है और चलने के बाद आपके पैसे को दुगना कर देता है। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी है। कल के दिन, परसों के दिन भी हमने एक आईपीओ से रिलेटेड, एक स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन अनदर स्टॉक। अगर बात करें उससे रिलेटेड बात करेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और हमारे यहाँ पर ही ये बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड वीडियोज हम आते रहते हैं, तो इन्हें देखिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाता है कि वीडियो आगे अब फॉरवर्ड की जाती है तो दूसरे लोग भी देख पाते हैं। तो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर प्लेलिस्ट को देखिए। और बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके आपको करना है, कुछ भी करना है। यहाँ पर आपको सीखना है कि किस तरीके से आप स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं ना, उसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजी। देखिए, धीरे धीरे देखिए वर्ल्ड में गेम का क्रेज किस तरीके से है। आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट आपको पता ही है किस तरीके से क्रेज है। किस तरीके से लोग पबजी के पीछे पहले दीवाने हुए थे, किस तरीके से लोग पहले अभी फ्री फायर के पीछे दीवाने हैं, और किस तरीके से अलग अलग गेम के, आपने ऐसे नाम भी नहीं सुने होंगे, बट एक ऐसी कंपनी है जो गेम बनाती भी है, लिस्टेड भी है। और अगर बात करें राकेश झुंझुनवाला सर का, यहाँ पर बहुत पहले से, जब ये प्राइमरी मार्केट में थी, ये तब से यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। जब ये स्टार्टअप था तब से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज है। और गेम ये मोनोपोली क्रिएट करता है, मोनोपोली वाला स्टॉक हो गया। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चों को मैं आजकल देखता हूँ कि यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस देख रहे होते हैं गेम से रिलेटेड। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत पॉपुलर गेम है। तो यहाँ पर नजारा टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे यहाँ पर एक गेम बनाते हुआ नजर आता है। अवार्ड विनिंग लर्निंग ऐप से रिलेटेड यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें मोटू पतलू, ये इस तरीके से गेम, या क्रिकेट गेम, तो ये गेम बनाते हुए ये कंपनी नजर आती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर फॉल सीजन 2019 लैन फाइनल, तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके की कॉम्पिटिशन भी आई थिंक ये कमार करा रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए इनकी, देखिए इन्वेस्टीज कंपनी भी है। यहाँ पर इन कंपनीज के बारे में देख सकते हैं, सब्सिडीज कंपनी भी है इनकी। यहाँ पर आप इन कंपनी से रिलेटेड भी देख सकते हैं, बाकी आईपी से इनकी देखें तो यहाँ पर देखिए, तो मतलब इनका जो पोर्टफोलियो है, एक तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सब्सिडरीज कंपनी उन्होंने खरीद रखी है। इसके अलावा गेमिंग करा रहे हैं, यहाँ पर खिला रहे हैं लोगों को, और बहुत पॉपुलर गेम यहाँ पर ये क्रिकेट से रिलेटेड गेम खिला रहे हैं। इस तरीके अगर बात करें, ये आई थिंक ये जो ये गेम है, ये वाला जो लग रहा है, ऐसा कुछ गेम है जैसे कि फ्री फायर हो गया, या आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट इस तरीके से। और ये इंडिया में नहीं है, अगर बात की जाए यूएस में ये कंपनी अपना रेवेन्यू ज़्यादा कमाती हुई नजर आती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन बन रही है, या फिर आप बात की जाए, देखिए आउटडोर गेम का जमाना आई थिंक चला गया है, क्योंकि ना तो इंडिया में इतने ज्यादा पार्क रहे हैं। लोग आउटडोर आउटडोर गेम नहीं खेलते। हम जब हम छोटे थे तो हम आउटडोर गेम ही खेलता थे, इंडोर गेम थे ही नहीं। और बात करें हम अभी की, तो यहाँ पर आज की डेट में केवल इंडोर गेम ही यहाँ पर लोग खेलते हैं। लोग फोन हुआ तो गेम, टीवी हुआ तो गेम, अलग से जो गेमिंग गेम क्या वो आता है तो गेम। तो बच्चे पागल हुए पड़े हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द गेम्स गेम्स गेम। और पॉपुलेशन बच्चों की कितनी है वो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में भी पॉपुलेशन बच्चों की बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर यहाँ पर बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो यहाँ पर देखिए लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेम एंड स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है, विद प्रेजेंस इन इंडिया अक्रॉस अमर्जिंग एंड डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट सच एज अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑफरिंग अक्रॉस द इंटरेक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड गेमिफाइड अर्ली लर्निंग इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ये इंडिया में ही नहीं है, यहाँ पर अफ्रीका एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका में काम करती हुई नजर आती है, और ग्लोबली इसका प्रेजेंस भी है। और बात करें यहाँ पर केवल गेम ही नहीं खिला रही, ई लर्निंग इकोसिस्टम भी बना रखा है इन्होंने इस तरीके से कि लोग वहां पर सीख सकते हैं पढ़ के भी। तो यहाँ पर अगर बात करें इसका जमाना अच्छा खासा है नजर आ, टेक्नोलॉजी मोनोपोली बिजनेस है और कोई इस बिजनेस को नहीं करता है। तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। कुछ लोग कह सकते हैं डेल्टा कॉर्प भी है ऐसा, तो वो एक अलग चीज होगी। वो कैशिनो एशिनो से रिलेटेड वहां पर हो गया, ऑनलाइन गेम भी है। बट अगर बात करें इन गेम का और उस गेम का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, पी रेशो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बट आरओसी की बात करें 3% का आरओसी है, डेट
फ्री कंपनी है, ओके 1790 के आसपास यहाँ पर शेयर चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रिलेटेड, तो देखिए टैक्स से रिलेटेड कंपनी है, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है आजकल भाग ही रही है, आपको भी पता है। और सेल्स की बात करें तो देखिए मार्च 2020 से अभी की बात करें पिछले 5 क्वार्टर की, तो 87 करोड़, 90, 130, 123, 131, तो अभी की भी जो सेल है ना और पिछले 3 क्वार्टर की जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर आ रही है। और अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें वो भी हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी घाटे से धीरे धीरे यहाँ पर लिस्ट हुई थी तब घाटे में थी, ओके आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, और अभी यहाँ पर कंपनी ने पॉजिटिव यहाँ पर दिखा दिया है कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिव आना शुरू हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पर अगर हम बात करें, सेल्स यहाँ पर देखिए 211 करोड़ 190 172 170 247, और अभी की बात करें तो एक साल के अंदर अंदर दुगना, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, दे कांट गो आउटसाइड, ओके, तो घर पे ही खेल करके क्या खेलेंगे, यहाँ पर गेम्स ही खेलेंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर हाईएस्ट एवर तो नहीं है बट अगर बात करें पॉजिटिव है। इसके अलावा बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर नहीं है बट कंपनी धीरे धीरे, देखिए छोटी कंपनी है अभी स्टार्टअप है, धीरे धीरे जब से जैसे ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा, इनके एक्सपेंस ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, बट पॉजिटिव कैश फ्लो है, सॉरी पॉजिटिव यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट है, ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि कुछ टाइम पहले ये कंपनी घाटे में चल रही थी। इसके अलावा बात करते हैं ईयरली बेस यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो रिजर्व देखिए, रिजर्व 156 करोड़ के रिजर्व 646 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं, और कंपनी लगभग डेट फ्री है, 1 करोड़ रुपए का ही डेट है, जब चाहेगी तब चुका देगी, और शायद अभी डेट फ्री हो गई होगी क्योंकि अभी इसके रिजल्ट भी आए थे, यहाँ पर अपडेट नहीं कर रखा है। बाकी हम बात करें वर्क इन प्रोग्रेस में तो कोई पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट 118 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कैश की बात करें 372 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये इनके पास कैश रिच कंपनी है, छोटी सी कंपनी है और कैश अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जब भी यूज होगा कुछ अलग एक्टिविटी करनी होगी यहीं से ही पैसा लगा के कर देंगे। कैश ऑपरेटिंग कैश की बात करें फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी 67 करोड़ रुपीज है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो देखिए कंसिस्टेंसी के साथ एक ही बनी हुई है 20.7% की। FIs की बात करें, FIs ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, और जब FIs यहाँ पर खरीदने लग जाते हैं तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहाँ पर शेयर को ऊपर ही जाना है। यहाँ पर DIs ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, FIs ने यहाँ पर खरीद लिया है। इसके अलावा पब्लिक की बात करें तो देखिए पब्लिक की दिखा रहा है कि यहाँ पर बढ़ा दिया है 66.79, पर अगर बात करें यहाँ पर देखिए राकेश झुनझुनवाला सर यहाँ पर दे रखा है 10.82% की हिस्सेदारी इस कंपनी में, 11% ये हो गया, 10% ये हो गया, लगभग यहाँ पर 22% के आसपास हो गया, 28% हो गया, ओके 31, 32, 33, 34, 35, 36 और यहाँ पर लगभग लगभग 40% के आसपास यहाँ पर हिस्सेदारी समझ लो, तो 26.79% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के आसपास नजर आती है, इसी के इर्द गिर्द निकलेगी, निकाल लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ऑपरेटर भी होंगे और सब चीज होगा। और यहाँ पर अगर हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो देखिए लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो मैंने यहाँ पर ये शेयर जब यहाँ पर आया था, ओके सॉरी यहाँ पर आया था 1500 के आसपास जब सब डरे जा रहे थे तो मैंने यहाँ पर भी खरीदा था, ओके इसके बाद अगर बात करूं मैंने यहाँ पर जब इसके रिजल्ट आए थे, जब रिजल्ट अच्छे खासे यहाँ पर मुझे नजर आए तो मैंने यहाँ पर भी खरीदा है, और अभी ये थोड़ा सा और गिर रहा है, गिरने के बाद दोबारा खरीदूंगा, इसे बाय ऑन डिप्स करके हमेशा खरीदना है। क्यों? क्योंकि जितने भी अभी तक शेयर आए थोड़ा सा भागते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, फिर भागते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, फिर भागते हैं, और पैसे को डबल और ट्रिपल कप कप में कर जाते हैं, आपको खुद भी नहीं पता चलेगी। इस तरीके से जितने भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई और आपको बताया कि जिसके भी पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी इसको यहाँ पर भगाया जा रहा है, ओके और अच्छे सही से भगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बेकार रिजल्ट है, कंपनी को यहाँ पर डुबाया जा रहा है और अच्छे रिजल्ट है यहाँ पर भगाया जा रहा है। तो यहाँ पर ग्लेन फार्मा देखिए इसी तरीके से भागा, इसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, ओके फिर उसके बाद धीरे धीरे कर करके आपको पता भी नहीं चला आज की डेट में 4000 रुपए ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दोबारा भागता हुआ नजर आएगा, बेहतरीन इसके रिजल्ट है, यहाँ पर दोबारा कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके का मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और बात करें यहाँ पर नजारा की तो नजारा भी सेम यही करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी नजर आ रहा है। सॉरी चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए ये अच्छा खासा अभी भी डाउन हुआ पड़ा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और अभी हम देखें तो लगभग लगभग 40% की अपसाइड नजर आ रही है, और अगले क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे ना तो इसी तरीके से ये जैसे कि यहाँ पर 1500 से 1900 पे भागा था, अभी ये 1700 1800 से यहाँ पर 2200 2500 तक भागेगा, आपको पता भी नहीं चलेगी शेयर कब कब में भाग गया, और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न दे जाएगा। बाकी बाइंग सेलिंग की
रिकमेंडेशन लिए, मुझे जो लगता है वो आपको लिए बताया क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो। ओके, हमारी अच्छी खासी फैमिली भी है, लोग यहाँ पर वीडियो देखते भी हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट है, अच्छे यहाँ पर मोनोपोली बिजनेस को एंजॉय कर रहा है। तो इस तरीके के शेयर में हम लगा देंगे थोड़ा बहुत पैसा, और ज्यादा पैसे नहीं लगाना कभी भी एक शेयर में, अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा शेयर या 10% मैक्सिमम से ज्यादा शेयर नहीं लगाना होता। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो या कितना भी यहाँ पर बुरा स्टॉक हो, तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे लोगों के साथ भी आपको कनेक्ट कराए, ताकि इस तरीके से वो भी सीख सके और एक दूसरे की मदद करके हम लोग आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।